अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जिसकी मार्केट के अंदर इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि वीडियो आपकी जितनी ही अच्छी आप लोगों ने शूट क्यों ना की हो, जब तक उसको एडिट अच्छे तरीके से नहीं करते तो आप लोगों की वीडियो मज़ा नहीं कराती। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग वीडियो एडिटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। मोबाइल के लिए आप लोग फाइन मास्टर, वीएन वगैरह यूज़ करते हैं, या लैपटॉप के ऊपर आप लोग एडोब प्रीमियर, फिल्मोरा वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम वीडियो उठा के दें, ऑटोमेटिक एडिट होके आ जाए, उसके अंदर कट्स भी लग जाएं, जंप भी लग जाएं, जो साइलेंस है वो भी रिमूव हो जाए, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाए, और इससे बढ़ के जो सबसे बड़ी बात है, क्या नीचे सबटाइटल भी लिखे हुए आ जाएं, आ हा हा हा, मज़ा ना आ जाए। और इसके बाद आपकी वीडियो से सूटेबल, आपकी वीडियो के साथ जो मैच कर रहा है, ऑटोमेटिक उस तरह का आपकी वीडियो के साथ मिलता जुलता बैकग्राउंड म्यूज़िक भी खुद ही उठ के लग जाए, तो मज़ा ना आ जाए। मतलब क्या हुआ भाई, सिर्फ रिश्ता नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ बना के दे रहे हैं आपकी वीडियो के साथ। तो भाई एक ऐसा AI टूल आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा कि जिसको देख के मैं तो हिल गया हूं, आप भी हिल जाएंगे, ठीक है, पता नहीं कहां कहां से हिल जाएंगे, ठीक है। तो आए जरा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल फ्री टूल है, इसका अपग्रेड वर्जन जो है मतलब वो पैसे लेके बाय किया जाता है, लेकिन आप लोगों को पैसे जैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपग्रेड वर्जन नहीं चाहिए। उसको जो फ्री वाला वर्जन है उसमें ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी लिमिट है, वो लिमिट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को उस लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पर आप लोग सारी अपनी जो वीडियोज है वो एडिट कर सकते हैं, और AI टूल ऑटोमेटिक सारी आप लोगों को वीडियो बना के आपको प्लेट में रख के चमची से उठा के आपके मुंह में डाल के देगा। कैसे आए जी, तो जनाबे वाला इस जो एप्लीकेशन है, या इसको आप लोग वेबसाइट कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, इसका नाम है wisecut.video, ठीक है। आप लोग गूगल पे जाके wisecut लिखेंगे, आ जाएगा, सिंपल सा काम है, अकाउंट बनाने का आसान सा तरीका है। भाई अगर कोई समझ रहा है कि ये स्पॉन्सर वीडियो है तो इस वीडियो को लात मारो, मोबाइल अपना उठा के दीवार पे मारो और चले जाओ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मुझे ये बड़ा मज़े का प्लेटफॉर्म लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, वरना मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता बहुत कम हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग अकाउंट बनाएंगे, आसान सा तरीका है, ठीक है। तो ऐड मीडिया के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें कि हमारा है फ्री वर्जन, फ्री, ठीक है, हम अपग्रेड करके कोई पैसे शैसे नहीं दिए। तो फ्री वर्जन के लिए वो कह रहा है कि आपकी जो फाइल का साइज़ है वो कम अज़ कम 1 GB होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ठीक है, 1 GB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें 1 GB चाहिए भाई, हमारी इससे बड़ी क्या होगी। उसके बाद 30 मिनट से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे रेंडरिंग नहीं कर सकते, या वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। जब 30 मिनट हो जाए, नई जीमेल आईडी बनाएं, नए सिरे से काम शुरू कर दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखिए ये काम करती कैसे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लिक हियर टू ब्राउज द फाइल। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल, ये टेस्ट के लिए मैंने ये एक वीडियो रखी है, इसको पहले हम सादा प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल प्ले करके। यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी, मैंने इसको क्रॉप करके छोटा सा पीस रख लिया ताकि ये जल्दी अपलोड हो जाए और जल्दी इसके ऊपर वर्किंग हो जाए, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो हम आते हैं यहाँ पे और इसको उठा के ड्रैग करते हैं और इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये कहेगा कि अपलोड वन फाइल, जी इसको हमने अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये देखें इसकी अपलोडिंग इस जगह पे स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं कहाँ परसेंटेज शो करता है, हाँ ये आ गई, ठीक है। तो ये अपलोडिंग हो रही है, तो एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी सी टेक के बैठें, 100% होती है तो अगली स्टोरी समझाता हूँ जी। तो आपको टेक के बैठने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर टेक के बैठे रहे। तो ये हमारी वीडियो जो है ये अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे ये नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, नेक्स्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट 2 के नाम से दे देता हूँ। अब मज़े की बात यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग हिंदी सिलेक्ट करें, ठीक है, हिंदी सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये आप क्या क्या काम करेगा। तो यहाँ पे ये स्मूथ कट लगाएगा, ऑटो कट क्लीन करेगा, उसके बाद बैकग्राउंड स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएगा। फ़िलहाल मैं म्यूज़िक को कर देता हूँ बंद, क्योंकि मुझे म्यूज़िक नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिलेशन, जी ये भी मुझे चाहिए। उसके बाद बर्न इन कैप्शंस, ये भी मुझे चाहिए, ठीक है, कैप्शंस। तो मैं फ़िलहाल म्यूज़िक को जो है वो स्किप करा रहा हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे कैमरे माइक के अंदर उसकी आवाज़ आनी है, तो देखेंगे ना कि हम ओरिजिनल जो वॉइस है उसको इसने कितना क्लीन किया है, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ज़रा क्रिएट प्रोजेक्ट, ये कह रहा है इट्स इन आवर हैंड, ओके हो गया। तो ये कह रहा है कि हम आपको ईमेल करेंगे जब भी आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लिस्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये टेस्ट 2 है हमारे पास, ये पहले मैंने वैसे करके देखा था, और ये टेस्ट 2 है हमारे पास। तो होम पे जाएं ज़रा, यहाँ पे ये टेस्ट 2, इसको ओपन करते हैं,
अच्छा जी, यहाँ पे अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको दोबारा से टेकनी पड़ेगी, तो थोड़ी देर टेकें और देखते हैं कि कितनी देर में ये होता है। हाँ जी, 2 मिनट के बाद ये पहुंच चुकी है 27.5% के ऊपर, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और देखते हैं कि मजीद कितना टाइम लेती है। पहला जंप ही इसने 27.5 का लगाया है जी। तो मुझे ईमेल आ गई यहाँ पे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट भी हो गया रेडी, ठीक है जनाबे वाला। अच्छा, तो हमारी वीडियो जो रेडी हो गई है, अब ज़रा देखते हैं जी कि इसने क्या गिदड़ सिंगी की है, क्या इसने कमालात किए हैं, और चेक करते हैं कि ये कितना परफेक्ट है और कितना नहीं है। इसको ज़रा चलाएँ और प्ले करके देखते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इसने ये देखें कैप्शन डाल दिया हिंदी ज़बान के अंदर, ठीक है। मतलब कि हिंदी अगर क्रिएटर भी सुनना चाहते हैं या हिंदी व्यूवर्स भी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो उनको आराम से समझ आएगी। यहाँ पर ये देखें तो इसने कहा जी कि हमने 5 जंप लगाए हैं, 5 इसके अंदर कट लगाए हैं, 119 लाइनों के सब टाइटल बनाए हैं इसने, ऑडियो को इन्हांस किया है और बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इसको रिड्यूस किया है, और उसके बाद स्मार्ट क्लोजअप क्रिएटेड, ठीक है। चलें देख लेते हैं, ठीक है। ऑडियो तो वैसे मुझे पहले से काफ़ी नीट एंड क्लीन फील हो रही है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे हमें $500 या $1000 मिल जाता है, तो क्या वाकई ही हमें मिल जाता है? और दूसरा, क्या ये हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप लोगों ने मशवरा मांगा है तो एक अच्छा मशवरा देना भी सुन्नत है। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा, कंप्लीट प्रोसीजर भी समझा दूंगा कि इसके ऊपर काम करते कैसे हैं, और दूसरा ये भी बता दूंगा कि आप लोगों ने ये काम करना है कि नहीं करना। अगर एक स्टेटमेंट में मेरे से आप लोग पूछे कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जो करूंगा वो तकरीबन 80% कहूंगा कि करना चाहिए, 20% कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे कि मैंने 80% क्यों कहा और 20% क्यों कहा। आप लोगों ने इसकी मार्केटिंग देखी होगी, एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि वसीम अकरम जैसे सेलिब्रिटी ने भी इसकी मार्केटिंग की हुई है, और उसके बाद अगर आप लोगों ने PSL फॉलो किया होगा, PSL के मैचेस देखे होंगे, तो PSL के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसकी मार्केटिंग की गई है, ठीक है। तो 80% के तो जनाबे वाला, आप लोगों ने देखा कि ऑडियो इसने इतनी क्लीन कर दी मेरी। सबसे जो बढ़ के जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी है वो कैप्शंस की लगी है, ठीक है। सबटाइटल इसने ऑटोमेटिकली जिस लैंग्वेज में मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी हिंदी में इसने मुझे बना के दे दी है। कट इसने प्यारे लगाए हैं, अच्छे लगाए हैं। बैकग्राउंड नॉइस भी इसने अच्छी रिमूव की है। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो आप लोग लगा के देख सकते हैं कि वो आप लोगों को कैसे सूट कर रहा है। मैंने इसलिए इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया क्योंकि मैं अपनी असल वॉइस सुनना चाह रहा था कि उसको इसने कितना क्लियर किया है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस एक टूल ने हल कर दिया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।